आदाब नाज़रीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद में श्री राम नवमी के मौके पर शोभा यात्रा काफ़ी बड़े जुलूस की शक्ल में निकाली गई, जिसकी क़्यादत गोशा महल MLA टी राजा सिंह BJP और BJP के दूसरे कारकुनों ने की। इस जुलूस को सीताराम बाग से बोईगुड़ा कमान, बेगम बाज़ार, सिद्धि अंबर बाज़ार, गौरीगुड़ा चमन से होते हुए सुल्तान बाज़ार, हनुमान व्यायामशाला को ले जाया गया। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया और कुछ शरपसंद अनाजर ने जुलूस में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनके नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया। पुलिस के सारे आला अहदेदारों को रोड पर जुलूस की निगरानी करते हुए देखा गया और जुलूस के रास्ते में जितने अकलियतों के इबादत गाहें थे, पुलिस की जानिब से उसका भी तहफ़ किया गया था। जैसे जुलूस सिद्धि अंबर बाज़ार पहुँचा, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री CV आनंद IPS ने मीडिया से बात की और जुलूस की तफसीलात बताई। आइए दिखाते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट हमारे चैनल SYS के ज़रिए से। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।
श्री राम नवमी शोभा यात्रा का जुलूस 1:30 बजे आज निकला है सीताराम बाग से। उस आप सबको पता है सीताराम बाग से निकल के वो गांधी स्टैचू, भोईगोड़ा कमान, गांधी स्टैचू, उसके बाद जुमेरात बाज़ार, बेगम बाज़ार, बर्तन बाज़ार, बेगम बाज़ार छतरी, उसके बाद सिद्दियम्बर बाज़ार, उसके बाद गौलीगुड़ा, फिर वहाँ से आंध्रा बैंक से कोटी से होते हुए बड़ी चौड़ी की तरफ जाकर वहाँ से हनुमान व्यायामशाला में जाती है ये जुलूस। ये साल देखा गया है कि 2 साल कोविड के की महामारी के वजह से
ये जुलूस निकाला नहीं गया था, तो ये बार काफ़ी जोश के साथ ये जुलूस को निकाला जा रहा है। तो इसके लिए हम एक हफ्ते से इनसे सबसे बात कर रहे हैं, उत्सव कमेटी वालों से। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम यहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, पर उनको कहा गया है कि आप नए नए प्रोसेशंस ओनली लोकलाइज करके वहाँ पर करना है, और उन्होंने बात मानी है। और हाई कोर्ट के द्वारा दो जो नए जुलूस का परमिशन आया था, वो तपा चबूतरा और ये बेगमपेट एरिया में, वो भी हमने सक्सेसफुली उसका बंदोबस्त कंप्लीट कर दिया है, वो जुलूस भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी इस समय शाम में 5:30 बजे हैं, तो ये हेड ऑफ़ द प्रोसेशन बेगम रज़ा छतरी तक पहुंचा है, और पीछे का हिस्सा जो है वो अभी नेहरू स्टैचू के पास है। तो ऐसा कोई समाचार नहीं है, ऐसा कोई मूड भी नहीं है जो आवाम में जो शांति और अमन का जो है वातावरण है वो सब अच्छा है, और कोई ऐसे रूमर्स भी नहीं है, कोई किसी के तरफ कोई वो भी नहीं है। तो ये बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा। हम सब ऑफिसर्स पूरे बहुत मेहनत किए हैं एक हफ्ते से, पूरे 7,000 लोग पुलिस वाले यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, 6,000 सिटी पुलिस के, 1,000 ऑफिसर्स और मैन बाहर के जिलों से आए हैं, उनके लिए भी रहने के लिए खाने के लिए हम सहूलत सब किए हैं। और यही नहीं, जॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर में आज पूरे दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी अफसरान यही नहीं जॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर में आज पूरे दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी अफसरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर वर्क्स हो या GHMC हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, RTC हो, पूरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ पर हैं। यहाँ पर पूरे कैमरास जो हैं रास्ते में करीब 1200 कैमरा जो रूट्स में हैं हम वो पूरे लाइव हैं, सब चल रहे हैं। ये बार हमने 2 ड्रोन भी लगाए हैं, हवे से हमको बताया जा रहा है कि पर जुलूस में कोई गैप है या नहीं, उनको नज़दीक करने के लिए या आजू बाजू के रास्तों में क्या हो रहा है, इसके बारे में सब कुछ इंतज़ाम जो हैं अच्छे तरीके से किए गए हैं, और ये सब शोभा यात्रा जो है बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रहा है। धन्यवाद।